गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रॉन की मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो प्रॉन के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स यानी कारिकी के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, यानी प्रॉन का पाचन तंत्र। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्रॉन में सेफेलोथोरिक्स और एब्डोमन दो शरीर के भाग होते हैं, और इस संरचना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ होता है। सेफेलोथोरिक्स के अंदर पाया जाने वाला आहार नाल का एक भाग और एब्डोमन या उदर के भाग में भी आहार नाल का दूसरा भाग। तो आहार नाल और हिपेटोपैनक्रियास या डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दो संरचनाएं मिलकर प्रॉन के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। सेफेलोथोरिक्स में आहार नाल का मेजर भाग यानी स्टमक और हेपेटोपैनक्रियाज उपस्थित होता है, और एब्डोमन या उदर वाले भाग में आहार नाल की इंटेस्टाइन और रेक्टम पाया जाता है। ये पूरी संरचना आपको इस डायग्राम द्वारा दर्शाई गई है। तो प्रॉन के पाचन तंत्र में दो भाग होंगे, पहला भाग आहार नाल और दूसरा भाग हेपेटोपैनक्रियाज। आहार नाल को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम आसानी से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। आहार नाल का पहला भाग कहलाता है फोरगट, दूसरा भाग कहलाता है मिडगट और तीसरा भाग कहलाता है हाइंडगट। फोरगट यानी अग्रभाग, मिडगट यानी मध्यम भाग और हाइंडगट यानी पश्चिम भाग। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल या आहार की नाल। तो फोरगट और हाइंडगट यानी अग्रभाग में और पश्चिम भाग के आहार नाल में क्यूटिकल लाइनिंग उपस्थित होती है, लेकिन मिडगट वाले भाग में ये क्यूटिकल लाइनिंग अनुपस्थित होती है। तो फोरगट या अग्रभाग एलिमेंट्री कैनाल का तीन प्रमुख संरचनाओं से मिलके बनता है। पहला माउथ, दूसरा बकल कैविटी जिसमें ईसोफेगस है, और तीसरा भाग होता है स्टमक। प्रॉन का मुख या माउथ एक स्लिट लाइक ओपनिंग या छिद्र के रूप में हेड रीजन में उपस्थित होता है, और मुख या माउथ चारों तरफ से माउथ पार्ट्स से घिरा हुआ होता है, जिनमें आते हैं अग्रभाग पे लेब्रम, पश्चिम भाग पे लेबियम और दोनों साइड्स में मैंडिबल्स। तो माउथ या मुख जो ओपनिंग है वो चारों तरफ से माउथ पार्ट्स यानी लेब्रम, लेबियम और दो मैंडिबल्स से घिरा हुआ होता है। ये सभी संरचनाएं प्रॉन के लिए इसलिए आवश्यक होती हैं जिससे वो भोजन को पकड़ के मुख के अंदर ले सके। मुख या माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है, जो कि एक छोटा चैम्बर है, और इसमें अनेकों फोल्ड्स उपस्थित होते हैं। बकल कैविटी में ईसोफेगस पाई जाती है, जो कि एक सिंपल ट्यूब रूपी संरचना है जो बकल कैविटी को स्टमक के साथ जोड़ती है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का प्रमुख भाग स्टमक होता है, जिसको हम आसानी से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कार्डिक भाग और पायरोलिक भाग। ये दोनों भाग आप इस डायग्राम के अनुसार आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अग्रभाग जो है वो कार्डिक भाग कहलाता है और पश्चिम भाग जो होता है पायरोलिक। तो जो बड़ा चैम्बर रूपी संरचना है वो कार्डिक स्टमक कहलाता है, और इस कार्डिक स्टमक में 6 प्लेट्स यानी काइटिन की प्लेट्स पाई जाती हैं, जो कार्डिक स्टमक के मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है।
आगे की भाग पे पाए जाने वाली यानी एंटीरियर भाग पे पाए जाने वाली प्लेट कहलाती है सर्कुलर प्लेट, पोस्टीरियर भाग पे पाए जाने वाली कहलाती है लैंसेलेट प्लेट, और मध्यम भाग में पाए जाने वाली कहलाती है हेस्टेट प्लेट। इसके अलावा कार्डिक स्टमक के दोनों लेटरल सतह पे कॉम प्लेट भी उपस्थित होती है। इन सभी काइटिन की प्लेटों पे सीटे नामक संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि स्टमक वॉल के मूवमेंट में सहायता प्रदान करती हैं। कार्डिक स्टमक जो कि एक बड़ी संरचना है या बड़ा चैम्बर है, एक एक्स रूपी ओपनिंग से पायरोलिक स्टमक के अंदर खुलता है। पायरोलिक स्टमक छोटा साइज़ का होता है, इसकी लेटरल वॉल फोल्ड अवस्था में पाई जाती है या फोल्डेड होती है, और इस पायरोलिक स्टमक संरचना में दो निश्चित चैम्बर होते हैं, डॉर्सल चैम्बर और वेंट्रल चैम्बर। ऊपर वाला डॉर्सल चैम्बर और नीचे वाला वेंट्रल चैम्बर। वेंट्रल चैम्बर की विशेषता ये होती है कि इसमें एक फिल्टर प्लेट पाई जाती है, और ये फिल्टर प्लेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये भोजन को या भोजन जो ठोस भोजन का पदार्थ होते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्टेड भोजन है उसको ये फिल्टर करके आगे मिडगट यानी इंटेस्टाइन में भेजती है। तो मिडगट जो है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक संरचना है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, और इंटेस्टाइन हाइंडगट यानी रेक्टम जो कि एक स्मॉल चैम्बर के रूप में पाया जाता है उससे जुड़ा हुआ होता है, और इसमें छिद्र या एनस जो होता है उसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकाला जाता है। प्रॉन के आहार नाल के साथ साथ पाचन तंत्र में जो दूसरी संरचना पाई जाती है वो कहलाती है हेपेटोपैनक्रियास। हेपेटोपैनक्रियास एक येलो ऑरेंज कलर्ड का मांस रूपी संरचना होती है जो कि विशिष्ट रूप से अगर हम प्रॉन का डिसेक्शन करके देखें तो हमें आसानी से आहार नाल में यानी सेफेलोथोरक्स भाग में ये बड़ा लोब दो लोब लोब रूपी संरचना हेपेटोपैनक्रियास की दिखाई दे जाती है, और इस हेपेटोपैनक्रियास की संरचना या जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि ये कुछ भाग अग्रभाग पायरोलिक स्टमक का, पश्चिम भाग कार्डिक स्टमक का, और कुछ भाग इंटेस्टाइन का अपने अंदर धसे हुए पाए जाते हैं यानी एम्बेडेड होते हैं। तो कुछ भाग पायरोलिक स्टमक, कुछ भाग इंटेस्टाइन और पीछे का कुछ भाग कार्डिक स्टमक, ये तीनों संरचनाएं इस हेपेटोपैनक्रियास में एम्बेडेड होती हैं यानी धसी हुई होती हैं। अब क्योंकि हेपेटोपैनक्रियास दो लोब रूपी संरचना के रूप में होता है, दो डक्ट प्रत्येक लोब में से निकल के पायरोलिक स्टमक के वेंट्रल चैम्बर में खुलती है, और हेपेटोपैनक्रियास ऑर्गन जो होता है क्योंकि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसलिए इसके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन को या भोजन के पाचन में काम आते हैं, यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ये आसानी से डाइजेस्ट करके जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा कार्य है पाचन तंत्र यानी एंजाइम तो बनाता ही है, दूसरा कार्य जो होता है वो इसका एक स्टोरेज ऑर्गन के रूप में होता है। जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है या डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इस हेपेटोपैनक्रियास के अंदर स्टोर भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉन का फीडिंग और डाइजेशन। प्रॉन चूँकि स्वच्छ जल में पाया जाता है इसलिए इसका भोजन छोटे जंतु होते हैं, एग्स होते हैं, और प्लांट का डिकेइंग मैटर होता है जो पत्तियां सड़ी गली होती हैं पानी में पाई जाने वाली, वो भी प्रॉन के भोजन का भाग बन जाती हैं। अब प्रॉन में पाए जाने वाले उपांग जो हैं उनमें से विशिष्ट रूप से चिल्लेट लेग्स जो होती हैं वो प्रॉन को भोजन को ग्रहण करने यानी पकड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। मैक्सिलिपीड, मैक्सिल्यूले और मैक्सिले, ये तीनों अपेंडेजेस या उपांग प्रॉन को भोजन को टियर करने में काम आते हैं यानी तोड़ने के काम में आते हैं, और मैंडिबल्स जो होते हैं
वो क्रश करने के काम में आते हैं, यानी जो भोजन उसने मुख में लिया है या मुख में लेता है उसको वो आसानी से चबा सकता है, क्रश कर सकता है। तो इस प्रकार से ये उपांग चिलेट लेग्स, मैग्जीलिपीड, मैग्जीलिवले, मैग्जिले और मैंडिबल्स भोजन को तोड़ के प्रोसेस करके ईसोफेगस यानी बक्कल कैविटी में डालते हैं, और बक्कल कैविटी के पेरिस्टैटिक यानी ईसोफेगस की जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट का मतलब होता है ईसोफेगस क्योंकि ट्यूब रूपी संरचना है, इसकी पेशियाँ एक प्रकार से पेरिस्टैटिक मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया को दर्शाती हैं, जिससे भोजन कार्डिक स्टमक यानी अग्रभाग में चला जाता है। पाचन की पूर्ण क्रिया जो होती है वो हेपेटोपैनक्रियाज द्वारा सिंथेसाइज एंजाइम्स के द्वारा होती है। प्रमुख रूप से कार्डिक चैम्बर के अंदर भोजन डाइजेस्ट होता है, यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ सॉलिड फूड जो होता है वो लिक्विड फूड में बदल जाता है। ये लिक्विड फूड फिल्टर चैम्बर, पायरोलिक स्टमक के फिल्टर चैम्बर से फिल्टर होकर नीचे इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, जहाँ पर अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। जो अनडाइजेस्टेड या रेजिडुअल फ्लूइड होता है या फूड होता है वो रेक्टम चैम्बर से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रॉन में पाचन की क्रिया सिंपलेस्ट फॉर्म की होती है, जिसमें आहार नाल और हेपेटोपैनक्रियाज मिलकर डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। थैंक यू।